अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह सुबह से। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, और आजकल तो वैसे भी इतनी सर्दी पड़ गई है ना कि अचानक ही, मतलब पहले बहुत अच्छा मौसम था। हम बार बार मतलब एक ही चीज़ जो है ना वो डिस्कस करते रहते थे कि इस साल जो है ना सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही। और अब जब सर्दी आ ही गई है तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसे लगता है बाहर निकलते हैं तो फ्रीज़ हो जाते हैं, एक मुँह ही जो है वो नज़र आ रहा होता है और मुँह भी पूरा लगता है जैसे बिल्कुल जो है ना नोज़ और सारा जो मुँह है वो सुन्न हो गया। तो ये मम्मी साहब अभी यहाँ पर ड्रामे कर रहे हैं खड़े होके। शुक्र है कि ये तंग नहीं करता, बड़े आराम से मज़े से स्कूल आते हैं और भी सारी चीज़ें पहन भी लेता है, टोपी भी पहन लेता है। और जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर, और वीकेंड था और यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुकी है बिरयानी। एक्चुअली हम आज जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी हमारी जो स्पेनिश फ्रेंड है ना, जिसको आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा ही होगा कभी कभार, मतलब बर्थडे वाले व्लॉग में तो लाजमी देखा होगा क्योंकि वो सभी बच्चों की बर्थडे पर लाजमी आती हैं, तो उनकी भी बर्थडे होती है। तो हम लोग जो है ना उनके साथ मतलब सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर में ही उनकी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो अकेली रहती हैं। तो उनके वैसे बहन भाई तो हैं लेकिन जो है ना वो फिर जाहिर सी बात है अपनी अपनी बिज़ी लाइफ है उनकी और कामों पे होते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो है ना उनको अच्छा फील हो इसीलिए, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो हर बच्चे की बर्थडे पर आती हैं, गिफ्ट भी लेकर आती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो हम लाजमी जो है ना वो फिर कोशिश करते हैं कि उनको हम भी हमारी तरफ से भी जो है ना वो अच्छा फील हो। तो मैंने यहाँ पर खाना वगैरह रेडी कर लिया था, केक भी हमने कल ऑर्डर कर दिया था, लराइबर में गए थे और कॉफ़ी केक जो है ना वो हमने ऑर्डर किया था क्योंकि उनको कॉफ़ी केक अच्छा लगता है, चॉकलेट वाला भी खा लेती है, मतलब वो भी बच्चों की तरह ही हैं, सारा कुछ जो है ना इस तरह की चीज़ें उनको पसंद हैं। और खाना जो है ना मैंने बनाया था, बिरयानी बनाई थी, वो भी उनको बहुत पसंद है, साथ में बीफ कौरमा था और बाकी पान वगैरह थे मैंने घर में जो है ना, चपाती या फिर नान वगैरह नहीं बनाए थे। तो जी यहाँ पर हमने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद जो है अभी केक कट करने की बारी आती है, तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं केक को लेकर। वो माशाल्लाह 60 इयर्स की हो गई हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 6 मोमबत्तियाँ जो हैं वो केक पे लगाई थी और बच्चे जो है ना अभी उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि आप जो है ना ब्लो करें, हम क्लैपिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से जो है ना वो बर्थडे जो है सेलिब्रेट हो गई थी। वैसे तो इंटर वीक थी उनकी बर्थडे, हमने विश वगैरह कर दिया था लेकिन ये था कि वो भी काम पर थी उस दिन और बच्चे भी स्कूल होते हैं तो शाम को फिर टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम फिर वीकेंड पर सेलिब्रेट कर रहे थे। Espera, te falta una línea. हो गया था सेलिब्रेट और काफ़ी इंजॉय किया सभी ने, मतलब एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, खाना पीना तो वही जाहिर सी बात है चलते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना बच्चे उसके साथ गेम खेल रहे हैं, ये मैं हम लोग बचपन में खेलते थे, तो मैंने ना कुछ दिन पहले बच्चों को सिखाई थी, मतलब बोर हो रहे थे, कह रहे थे क्या करें क्या करें छुट्टियों में, जब ये न्यू ईयर की छुट्टियाँ थी ना, तो तब मैंने इनको बताया था कि ये वाली गेम खेलते, तो हमने खेली थी और अभी जो है ना वही गेम उसको सिखा रहे हैं जिसमें डॉट्स लगा के पूरे पेज पे रखते हैं तो फिर बॉक्स बनाने होते हैं, हर एक जो अपना बॉक्स जिसका बनेगा वो अपना नाम लिखेगा और बाद में काउंट करते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा बॉक्सेस बनेंगे वही जो है वो फिर विन करेगा। तो जी जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी जो शॉपिंग मैंने अब तक की है बच्चों की, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है मैं लराइब की दिखा देती हूँ, ये एक उसकी जर्सी है, गर्म है, ये मैंने ली है कैरीफोर से। साथ साथ मैं प्राइस भी बताती हूँ क्योंकि हमेशा जो है ना आप लोग बोलते हैं कि प्राइस साथ दिखाया करें, ये है इसके प्राइस, ये 10 की थी, 599 की मिली है, तो मुझे प्यारी लगी थी सिंपल सी तो मैंने ले ली थी। नेक्स्ट उसकी ये है हुडी और ये दोनों बहनों के एक जैसी मैंने ली है, ये भी बहुत प्यारी और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्म है, ये इस तरह से बैक से जो है ना वो सिंपल है और सामने जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी के साथ कुछ लिखा हुआ है। और ये मैंने ज़ारा से ली थी 1299 की थी और ये इतने की अभी मिली है और ये कोई 8-10 दिन, ये फर्स्ट डे मैंने ली थी, जिस दिन पहले दिन ली थी ना 7 जनवरी को स्टार्ट हुए थे, ये उसी दिन मैंने ली थी
अभी जो है ना मे भी इनके प्राइस जो है ना वो मजीद कम हो गए होंगे अगर ये बची हुई हुई तो। उसके बाद ये याद की भी सेम है, दोनों बहनों की सेम जो है ना कपड़े, मुझे बच्चों के बहुत प्यारे लगते हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी। अब मैं अक्सर जो है ना मुझे मिल जाए तो मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ, तो लड़ाई को होता है कि एक जैसे कपड़े क्यों लाते हैं, हालांकि याद को होना चाहिए वो बड़ी है, लेकिन लड़ाई जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो है क्या कहते हैं नखरेली। अच्छा उसके बाद ये एक लड़ाई की शर्ट है, ये ब्लैक कलर है आई थिंक, सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ब्लैक है और ये मैंने क्याबी से ली है 2 यूरो में, 350 की थी पहले भी तो ये बस 2 में मिली है तो मैंने ले ली, क्योंकि नेक्स्ट जो वेदर आएगा ना अभी इसके बाद तो उसमें जो है ना ये फुल स्लीव्स लेकिन लाइट वेट जो है ना वो शर्ट्स जो है वो सही उनको मतलब मौसम होगा। उसके बाद जी ये कैप है, नॉर्मली तो याद पहनती नहीं है लेकिन ये मुझे प्यारी भी लगी थी और वैसे भी मैं सोच रही थी क्योंकि अभी सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है इन चंद दिनों के अंदर, तो ये मैंने ले ली थी। ये 50% डिस्काउंट पर थी H&M पे, 10 की थी मैंने 499 की ली है। उसके बाद है जी ये लराइफ की शर्ट, ये मैंने क्याबी से ली है और ये 1 यूरो में ली है जो कि पहले 3 की थी। उसके बाद है जी ये उसकी एक फ्रॉक, इस तरह के फ्रॉक तो मैं नॉर्मली भी लेती रहती हूँ उसके मतलब रेगुलर प्राइस पे भी, ये इतने कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन ये कपड़ा ख़राब नहीं होता और बहुत ही प्यारा प्रिंट भी है और कपड़ा बहुत अच्छा रहता है बिल्कुल एंड तक। तो ये है, ये 7 की थी अभी 299 में मुझे मिली थी तो मैंने ली है ये। उसके बाद है जी ये लराइफ की शर्ट, ये भी गर्म शर्ट है और ये मैंने H&M से ली थी, ये 799 की, ये इस तरह से। अब ये वो जो ज़ारा वाली है और ये है ना इनके कलर तकरीबन एक जैसे हो गए हैं, बस 19-20 का ही फ़र्क है, तो मैं ज़ारा पे चेक करूँगी कोई और अच्छा लगा तो मे बी वो मैं उसको जो है ना एक्सचेंज कर लूँ फिर, क्योंकि 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ के अंदर जो है ना कोई भी चीज़ अपनी वापस भी कर सकते हैं जो चीज़ ली हो या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक पैंट है, ये भी मैंने H&M से ली है, ट्राउज़र अभी मैं उसके थोड़े खुले ट्राउज़र लेती हूँ ये लराइफ का, तो उसको जो है ना मतलब कल भी कह रही थी इतने खुले क्यों लाते, उसको टाइट जैसे जो है ना वो पसंद है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली है तो इसलिए मैं इस तरह के कपड़े उसको बहुत सूट करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मुझे मिल जाए। ये 499 में H&M से लिया है मैंने, 10 का था, 50% डिस्काउंट था इस पर। वैसे तो अभी सभी ने जो है ना 60-70 लगा दिया लेकिन प्राइस वही के वही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुए, मे बी लास्ट में फरवरी के जो है ना स्टार्ट में कर दें। ये एक शर्ट है, ये लॉन्ग शर्ट में लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत प्यारी लगी थी मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना हुआ है नीचे से ये इस तरह से है, बैक से थोड़ी सी लॉन्ग है और फ्रंट से इस तरह है, और ये हल्का सा इसका जो है ना वो क्रीम कलर में है और ये भी बहुत प्यारी है। ये याद के लिए मैंने ली थी मांगो से 799 में, 13-14 ली है ताकि थोड़ी सी और लॉन्ग हो, क्योंकि जो है ना अभी माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो थोड़े कपड़े उसको खुद भी नहीं पसंद है, जैसे कि बताती रहती हूँ नहीं पसंद उसको थोड़ी सी भी जो है ना शर्ट जो शॉर्ट होती है। तो उसके बाद जी ये वाली भी मैंने ज़ारा से ली है 399 की, जो कि याद को तो पसंद नहीं आई लेकिन ये है कि अक्सर होता है ना कोई फ्रॉक वगैरह उसके नीचे ब्लैक में, सिंपल वाली भी वैसे मुझे मिली थी मैंने ली हुई है, कोई फ्रॉक होती है ना तो उसके नीचे स्लीवलेस हो या इस तरह तो उसके नीचे पहनने के लिए सही रहती है। ये लराइफ की थी और ये इसी तरह की सेम जो है ना आयात की भी है और ये 399 में है, पहले 6 की थी अभी 4 की, मतलब 2 यूरो कम किए हुए थे ये ज़ारा से। ज़ारा का ये होता है कि कपड़ा जो है ना बहुत अच्छा होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल जाए तो मैं वहीं से कपड़े लूँ बच्चों के। उसके बाद ये एक लॉन्ग शर्ट है, ये इसका बारीक सा डिज़ाइन और कलर इसका पिस्ताचो कलर बहुत प्यारा सा है, लॉन्ग है ये भी आयात की और ये मैंने क्याबी से ली थी, ये है 6 यूरो में, ये भी 50% डिस्काउंट से ली है और स्माल में मैंने ले ली थी क्योंकि जो है ना ठीक उसको साइज ये आ रहा था, एक्स्ट्रा स्माल थी नहीं तो मैंने स्माल में ले लिए। ये एक ट्राउज़र है, गरम ट्राउज़र और ये लराइफ के लिए ब्लैक, ये मैंने रोस्की से लिया। कई बार जो है ना सिस्टर्स पूछ रही होती हैं कि रोस्की से कपड़े भी मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो होती है ना सिटी है रोस्की जो ज़्यादातर गांव वगैरह के अंदर होती है नॉर्मली, तो उस इधर भी होती है मतलब सिटी के अंदर भी होती है लेकिन उस पर सिर्फ जो है ना खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मॉल के अंदर हो ना बड़े वाला रोस्की का स्टोर वहाँ पर कपड़े जूते हर चीज़ आपको मिल जाती है।
उसके बाद जी ये वाला ट्राउजर है, ये खुला ट्राउजर, बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के ट्राउजर ना मुझे। और ऊपर से फुली इलास्टिक है, जो होता है ना बटन वगैरह या जिप वाले, वो याद को बहुत प्रॉब्लम होती है इसीलिए वो पहनती नहीं है। और ये 13 to 14 ईयर्स के लिए है, और ये था 599 में जस्ट, मतलब इस पर भी 50% डिस्काउंट थी, पहले 13 का था। और ये भी मैंने लिया था मांगो से। मैं आपको अपना भी दिखा देती हूँ, जो कि मैंने अभी तक बस अपना एक आध ही लिया है, मतलब एक आध जो है वो मैंने दुपट्टे लिए हैं स्टॉलर गर्म में ही, और बाकी जो है ना ड्रेस मुझे कोई भी खास पसंद नहीं आ रही इस दफा। तो ये मुझे H&M पे ब्लैक तो वैसे ही पता नहीं मेरी इस पर नजर पड़ जाती है ना भी, मतलब मेरा फेवरेट नहीं है ब्लैक कलर, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ, फिर भी तो ले लेती हूँ मैं ब्लैक कोई भी। अच्छा, इसका स्टफ बहुत ही प्यारा है, मोटा कपड़ा है, जो लीलन होती है ना बहुत मोटी वाली, वो वाली है। और ये 30 का था, और इन्होंने लगाया हुआ था 899 में, और मीडियम में मैंने लिया है। थोड़ा जो है ना मुझे थोड़ा ये तीरे का प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा खुला है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर हो सका तो मैं इसको फिट कर लूंगी, लेकिन वैसे भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना भी करें तो ठीक है। तो ये लॉन्ग है, बहुत प्यारा सा, फुल आगे से जो है ना ओपन शर्ट है, और ओपन शर्ट जो होती है ना इस तरह की, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बटन होते हैं तो पहनने से जो होता है ना कई दफ़ा फिर थोड़ा सा जो है वो इशू हो जाता है, कई दफ़ा आप पब्लिक में हो तो। इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह के लेती हूँ ना, जिनके ओपन शर्ट्स होती हैं सारी, कोई भी फ्रॉक हो या कोई शर्ट हो, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो फिर सिलाई लगा लेती हूँ नीचे तक, आखिरी बटन तक ना, यहाँ तक। तो ये है, और इसके बाजू भी दिखा देती हूँ, कफ बने हुए। और जी ये आयात की जैकेट है, लॉन्ग जैकेट, और ये मैंने ली थी क्याबी से, और ये मिली थी 25 की मिली थी, पता नहीं पहले कितने की वो नहीं मुझे याद, लेकिन ये 25 की ली थी। आपके अजलान के मैंने बहुत ही कम कपड़े लिए हैं, मुझे कुछ अच्छा जो है ना वो मिला ही नहीं है। तो ये मैंने शर्ट ली है, ब्लैक में है, और ये मैंने ली थी प्रीमार्क से, प्रीमार्क से बहुत कम मुझे कपड़े पसंद आते हैं, देखने में अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन लेने के लिए मेरा दिल नहीं कर रहा होता। तो ये पीछे इसके इस तरह से, तो इसका जो है ना टिकट कटा हुआ है, लेकिन ये 4 यूरो में मैंने ली थी, ये भी 8 की थी, 50% डिस्काउंट लगा हुआ था, और यहाँ पे जो है ना इसकी पॉकेट बनी हुई है ब्लैक पे, येलो कलर वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये एक उसकी शर्ट ली थी, और ये मैंने क्याबी से उसकी ली है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जब लेने जाए ना गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होती है, कोई भी अच्छी जो है ना मुझे मिल नहीं रही होती यहाँ पे, कहने को ये यूरोप है। और ये 13 की थी पहले, अब मुझे 4 में मिली, और ये 12 ईयर्स वाली है, तो उसको जो है ना ये पूरी है, तो ये मैंने ले ली है, वैसे भी ठीक बनी हुई है, यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं, प्यारी लगेगी। और इसके साथ जो है ना ये शर्ट भी मैचिंग करती है, जो भी पहनो उसके साथ वो मैचिंग करते हैं। तो उसके बाद ये शर्ट है उसकी, ये मैंने ली है कैरीफोर से, कैरीफोर से अभी तक मैंने बहुत कम कपड़े ली, मैं गई एक आध दफ़ा ही हूँ वहाँ पर, मैं गई नहीं हूँ सही तरह से जो है ना टाइम निकाल के। तो ये भी 12 की थी पहले, अभी जो है लगी हुई थी 299 की, तो 4 से मैंने ले ली, साइज भी मिल गया था। तो ये दो शर्ट्स, एक पैंट उसकी, और ये भी एक शर्ट जो है ना ये मैंने क्याबी से ली थी। कपड़ा अच्छा होना तो चाहे उसके प्राइस जो है ना वो 1 हो 2 यूरो हो या जितने भी हों, मैं ले लेती हूँ, इसका भी कपड़ा ठीक है। और ये 4 की थी पहले, अभी मुझे 1 यूरो में मिली है क्याबी से, ये इस तरह से। मोमिन की भी मतलब साइज था इसमें, लेकिन मैंने ली नहीं है, बस इस्लाम के लिए ली है। ये मोमिन साहब की शर्ट, ये भी मैंने क्या भी सी ली है, सिंपल वाइट और थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना प्रिंट बना हुआ है, ये भी 1 यूरो, 2 की थी पहले भी और फिर 1 की थी ये। उसके बाद है जी ये वाली शर्ट, ये मैंने रोस्की से ली है, आई थिंक आपको सही नजर आ रहा हो या नहीं, अच्छा ये हाँ इस तरह से, ये भी ना वैसे काफ़ी प्यारी बनी हुई थी, कलर भी इसके बहुत मुझे अच्छे लगे थे दोनों जो है कम्बिनेशन, ग्रे और ऑरेंज। और ये थी 6 की थी, और 3 दफ़ा उन्होंने देखे हैं उसके प्राइस जो है ना वो लो की हैं, पहले 4 की है, फिर 3 की, और फिर 2 की जो है ना ये मैंने ली है इस तरह से। उसके बाद है जी ये एक शर्ट प्रीमार्क से, 1 यूरो में मिली थी, 250 की थी पहले, 2.5 यूरो के मतलब। तो इसका भी कपड़ा जो है ना अच्छा लगा था, तो मैंने एक ये ले ली। वैसे इसमें जो है ना काफ़ी सारी जो है ना शर्ट्स लगी हुई थी डिज़ाइंस, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, बच्चों वाली जो है ना मैंने लगाई थी सेल्स वाली जो है ना प्रीमार्क पे। एक ये वाइट शर्ट है लराइव की है ये, हाँ मुझे याद नहीं रहा, ये भी मैंने वाइट इसीलिए सिंपल वाली मुझे मिल जाए ना तो मैं ले लेती हूँ कि फ्रॉक वगैरह के नीचे पहनने के लिए। तो ये 4 की थी पहले, लेकिन 3 की मिली है, पता है वाइट या ब्लैक सिंपल बिल्कुल इस तरह प्लेन शर्टें ढूंढते रहते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। तो ये भी मैंने रोस्की से ली थी। उसके बाद ये मोमिन की भी ब्लैक सिंपल देखी मैंने ली, तो
तो ये भी मैंने एरोस्की से लिए, क्योंकि अक्सर जो होता है ना ब्लैक स्पेशली या वाइट, यहाँ पे आज जो है ना 20 जनवरी है और यहाँ पे एक फेस्टिवल है स्पेन जो सिर्फ सान सेबास्टियान का होता है, तो उसमें जो है ना सारे कपड़े जो बच्चों ने वाइट पहन के जाने होते हैं, या कम से कम वाइट शर्ट होनी चाहिए टोटल वाइट, और जीन्स की जो ब्लू है ना वो पैंट होनी चाहिए। इसी तरह जब हैलोवीन आता है तो तब जो है ब्लैक चाहिए होते हैं स्कूल में पहनने के लिए, कोई ना कोई मतलब करने के लिए एक्टिविटी, तो ब्लैक जो है एंड टाइम पे फिर नहीं मिलते हैं। तो ये प्लेन ब्लैक मोमिन की, ये दो की है, ये भी मैंने रोस्की से लिए। उसके बाद ये मोमिन की एक जैकेट है जीन्स की ब्लैक में, ब्लू जो है ना उसके पास पहले दो हैं तो इस तरह दफ़ा मुझे जो ब्लैक नज़र आ गई थी तो मैंने ले लिए, और ये मैंने क्याबी से ली है, 15 की थी पहले और अभी जो है ना मुझे मिली है 7 की। ये 6 ईयर्स वाली है लेकिन मैंने उसको पहना के चेक की थी, मेरे साथ ही था तो उसको बिल्कुल ठीक आई थी तो मैंने ले ली थी। नॉर्मली उसके मैं अभी 4 to 5 ईयर्स वाले जो है ना वो कपड़े लेती हूँ, 4 वाले भी ले लेती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ 5 वाले लूँ, क्योंकि माशाल्लाह वो एज के लिहाज से ना बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसका वेट हाइट सब कुछ ठीक है। एनीवे उसके बाद है जी ये शर्ट मोमिन के, ये बहुत प्यारा कलर और डिज़ाइन, ये मिकी वाली, और ये 8 की थी पहले, 4 की मुझे मिली है 50% डिस्काउंट पे, ये भी मैंने क्याबी से ली है। उसके बाद जी ये वाली शर्ट है, ये मैंने ली थी H&M से और 299 की है। उसके बाद जी ये एक गर्म शर्ट है मोमी साहब की, और ये सिंपल इसी तरह से बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट हुआ है कुछ, और ये 6 की थी और 3 की मिली थी क्याबी से। नेक्स्ट है जी ये वाली शर्ट, इसका भी कपड़ा बहुत प्यारा प्लेन बिल्कुल ऐसे मलाई जैसा होता है ना, तो ये 3 की है, ये भी 6 की थी पहले, 3 की मुझे मिली है 50% डिस्काउंट पे क्याबी से। और जिसके बाद है ये वाली शर्ट, इस तरह की शर्ट जो है ना मेरे बच्चे कोई भी नहीं पहनते लेकिन फिर भी मैं साल में एक आध दफ़ा जो है ना ले लेती हूँ, जो कि वैसे ही पड़ी पड़ी रह जाती है, कभी कभार चलो चली जाती है, लेकिन ये 399 की मैंने ली थी, 10 की थी पहले, 399 की मिली है मुझे H&M से। ये होता है ना कभी कहीं मतलब जाना पड़ जाता है तो इस तरह की शर्ट अच्छी लगती हैं लेकिन वो पहनते नहीं है, ना जलान पहनता है ना मोमिन पहनता है। और ये मोमिन की सॉक्स मैंने ली हैं, ये 5 पेयर्स हैं और 299 में, ये मैंने मेरकाल से लिए थे, ये भी अच्छी क्वालिटी है इनकी इसीलिए ले लिए थे। तो जी अभी आ जाते हैं शूज़, जो कि मैं सिर्फ लड़कों के ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि लड़कियों के जो मैंने पसंद किए थे ना वो उनको पसंद नहीं आए थे, मैं लेके आई थी तो मैंने वो जो है ना वापस कर दिए थे, और उसके बाद जो है ना मुझे उधर कुछ भी अच्छा नहीं लगा था तो मैंने कुछ उनके बदले में लिया नहीं था, तो पैसे वापस ले लिए थे, फिर कहीं और से अच्छे लगे तो ले लूँगी। ये मम्मी साहब एक दिन पापा के साथ गए थे तो खुद ये वाले लेके आया था और इन पर भी डिस्काउंट लगा हुआ था, ये मेरे काल से लिए हैं उसने, ये थे 30 के थे पहले और 50% डिस्काउंट पर ये इनको 15 के मिले थे। उसके बाद हैं जी ये, हाँ ये वाला मैंने रख लिए थे, मैंने सोचा था चलो अगर याद को नहीं पसंद आए तो मैं खुद नॉर्मल जो है वॉक वगैरह करते हुए यूज़ कर लूँगी उसको, वैसे फिलहाल जो है ना वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पहनने नहीं पसंद, और ये 10 यूरो के थे, ये भी पहले 30 के थे और भी 10 के मिले थे तो मैंने ले लिए थे। उसके बाद है जी ये अजलान के शूज़, ये भी अच्छे हैं, ये मैं नहीं लेके आई थी, हस्बैंड गए थे और मोमिन दोनों गए थे तो वो लेकर आए थे और मुझे फ़ोटो वगैरह सेंड करके उन्होंने चेक करवा दिए थे। ये भी यहाँ पे लगे हुए नहीं है लेकिन ये 35 के थे 36 के थे लेकिन ये 20 के मिले थे उनको। उसके बाद हैं जी ये मोमिन साहब के शूज़ नेक्स्ट, और ये इस तरह से सिंपल वाइट, और ये थे कहाँ से लिए हैं, ये आपको किसी भी जगह से मिल जाते लेकिन उन्होंने एक मास पोर मेनोस जो है ना वो है उस पर सारी जो है ना मतलब सारे ब्रांड्स की होते हैं उनके पास मिक्स ब्रांड, तो वहाँ से लिया, ये पहले 33 के थे और उन्होंने 40% डिस्काउंट लगाया था और ये भी 20 के मिले थे 20 के। तो जी ये थी मेरी अब तक की गई सेल में से शॉपिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि अभी तो सेल जो है वो चल रही हैं, मतलब 3 वीक्स हो चुके हैं और अभी मज़ीद जो है वो प्राइस कम करते जाते हैं, लेकिन ये है कि देख के आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना सेल जैसे नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होती हैं पहले। तो जी ये थी शॉपिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।